गिरफ्तार किया गया तो दस दिए कि जिहड़ा ये गैंगस्टर है काफी लंबे समय तो जेल दे विच बंद सी पर कोरोना काल के चलते यह जेल तो बाहर पैरोल ते है पर उस समय तो यह भगौड़ा चल रहा सी ते हुण इसनू पुलिस ने गिरफ्तार किया। चमकौर सिंह नाम का यह व्यक्ति है जिसनू पुलिस वालों गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी तो बाद यह वड्डा खुलासा होया कि यह लारेंस बिश्नोई ते गोल्डी बराड़ के संपर्क के इसके आने का मकसद यह सी कि इसने अपने भरा ते भतीजे के कातलों का बदला लेना सी ते भेस बदल के यह उन्होंने रेके कर रहा सी। तो दस दिए कि कतल मामले के यह उम्र कैद की सज़ा भुगत रहा सी पर पैरोल मिलने तो बाद जिहड़ा यह जेल तो बाहर आउंदा है ते उस तो बाद यह भगौड़ा दसिया जाता है जिसनों हूँ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो यह लारेंस बिश्नोई तो कैनेडा च बैठे गोल्डी बराड़ के संपर्क के आया तो अपने दुश्मनों नू मौत के घाट उतारण के लिए यह प्लैनिंग घड़ रहा सी ता भेस बदल के उन्हां दी रेकी करता सी पर हूँ पुलिस ने इस मुलजम चमकौर सिंह नू गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार मुलजम चमकौर सिंह नू हत्या के एक मामले च उम्र कैद की सज़ा हुई सी ते 7 साल की सज़ा कटने के बाद जून 2021 नू कोरोना संकट पैदा होने के चलते उसनू 6 हफ्ते की पैरोल दी गई सी पर पैरोल खत्म होने के बाद वह वापस जेल नहीं आया ते जिसके चलते उसके खिलाफ एक वखरा केस जिहड़ा दर्ज हो चुका सी ते जिस तो बाद जो यह पैरोल दे आउंदा है ते यह गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ते लॉरेंस बिश्नोई दे संपर्क दे विच आउंदा है ते उस तो बाद अपने दुश्मनां दी रेकी करदा है। हां जी, चमकौर सिंह सानो हरदीप सिंह है। 2013 च रणजीत मर्डर केस च सज़ा होया सी जिहनूं 20 साल सज़ा हुई सी ते कोरोना काल च छुट्टी आया सी जिस ते गैर हाजिर हो गया सी ते एक मुकदमा इत्थे होर दर्ज कीता गया सी 112 नंबर थाने जयपुर च ते 1 साल दा इह भगौड़ा चले आ रहा सी। इनू अज साढ़े सब इंस्पैक्टर सुरेंद्र सिंह है उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है तो जिन्होंने कल न पेश अदालत किया जाएगा तो होर धर्म लेके सामने आया। देखो जी, जो ये गैर हाजिर होया जां भज्जे है तो ये लॉरेंस बिश्नोई तो गोल्डी बराड़ के टच आ गया से उन्होंने अक्सर इन गल् होंदिया सी तो इन्हें आपके भरा दे भतीजे के मर्डर का बदला लेना से ਉਹਦੀ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੈਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਦਾੜੀ ਵਧਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕੇਸ ਰੱਖ ਰੱਖੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਸ ਬਦਲ ਰੱਖਿਆ ਬੇਸਿਆਣ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਾੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੇਪ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਹ ਉਸੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੈਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। हजे तक कोई नहीं गा जी, पुराने गिरफ्तार पुराने मुकदमे जिन्होंने गिरफ्तार किया जिम्मे कोई सबूत सामने आऊगा वही कार्रवाई की। हजे देखो हमने गिरफ्तार किया पहले इन्हों का रिमांड लवेंगे हजे कुछ कोऑपरेट नहीं कर रहा जिमें रिमांड लेंगे जो कुछ तत् सामने आने के साझे किए जाएंगे।